जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी के नरेंद्र मोदी जी के इतिहास के बारे में। आखिर बिना इलेक्शन लड़े नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बन पाते हैं? केशव भाई पटेल की कुर्सी छीनकर आखिर नरेंद्र मोदी को क्यों दे दिया जाता है? 2000 मुसलमानों की भीड़ ने ट्रेन को क्यों जला दिया था? क्या गुजरात दंगा किसी की सोची समझी साजिश थी? आखिर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आप हिंदू सपोर्टर हो या मुस्लिम, बात दोनों को कड़वी लगेगी। तो चलते हैं शुरू से, शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। आखिर बिना इलेक्शन लड़े नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बन पाते हैं? इससे पहले हमें समझना होगा उस वक्त के मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल के बारे में। केशव भाई पटेल को बीजेपी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और केशव भाई पटेल 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2 अक्टूबर साल 2001 में खराब स्वास्थ्य और खराब छवि के कारण वे इस्तीफा दे देते। ये खराब स्वास्थ्य तो समझ में आता है, लेकिन खराब छवि? अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। चलिए खराब छवि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। केशव भाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 जून 1998 में एक भयानक तूफान आता है और इस तूफान के चपेट में पूरा गुजरात तहस नहस हो जाता है। लेकिन इस तूफान का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट गुजरात के बंदरगाह कालाकंडा पे देखने को मिलता है। इसकी स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। इस भयानक दुर्घटना में 1173 लोगों की मौत हुई और 1500 से ज्यादा लोग लापता हो गए। फिर उसके बाद 1999 से लेकर साल 2000 तक गुजरात में भयानक सूखा पड़ा था। इतना सूखा पिछले 100 सालों में नहीं पड़ा था। इतना सूखा पड़ने के बाद गुजरात में 1000 से अधिक किसान आत्महत्या कर लेते हैं। फिर उसके बाद 26 जनवरी साल 2001 को सुबह 8:46 पर गुजरात में एक भयंकर भूकंप देखने को मिलता है। इस भूकंप की इंटेंसिटी 7.7 की थी। इस भूकंप में 13,000 से अधिक लोगों की जाने चली गई और कई गाँव वीरान हो गया। 10,000 से अधिक घर ध्वस्त हो गया। किसी का घर गया तो किसी का मकान, किसी का जान गया तो किसी का सामान। उस वक्त के मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल तीनों घटनाओं में लोगों का मदद करने में फेल रहे और लोगों के बीच केशव भाई पटेल की छवि खराब होती गई। तभी बीजेपी को महसूस हो जाता है केशव भाई पटेल की छवि दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तभी बीजेपी फैसला करती है केशव भाई पटेल का इस्तीफा। केशव भाई पटेल को बीजेपी की ओर से आदेश मिलता है कि वे इस्तीफा दे दे और बीजेपी को नए चेहरे की तलाश होती है और वो चेहरा नरेंद्र मोदी का होता है और दिल्ली से नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा जाता है गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए। और 7 अक्टूबर साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। चलिए फिर से नरेंद्र मोदी पे वापस आते हैं। 28 फरवरी साल 2002 को गुजरात में एक भयानक दंगा होता है और ऐसा माना जाता है कि गुजरात के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा दंगा देखने को मिला। इस दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं जो कहूंगा वो सब गूगल पे अवेलेबल है, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। गुजरात दंगा 27 फरवरी साल 2002 को अयोध्या से लौटकर आ रही थी साबरमती एक्सप्रेस, जिसे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुजरात के गोधरा स्टेशन से जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, वैसे ही कई बार ट्रेन की चेन खींची जाती है और ट्रेन के बोगी S6 में हिंसकों द्वारा आग लगा दिया जाता है। जब तक फायर ब्रिगेड ट्रेन के पास पहुंचती है, तब तक 59 कार सेवकों की मौत हो चुकी होती है, जिसमें 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे होते। आखिर ट्रेन में किसने आग लगाया था? वैसे तो बहुत सारी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ था, कुछ लोग कहते हैं इसमें सरकार का हाथ था।
लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी पे हम बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक मुस्लिम चाय वाला उस वक्त उस ट्रेन में चाय बेच रहा था, वहां बैठे कार सेवकों से लेन देन के मामले में हाथापाई हो जाती है और मामला वहीं खत्म हो जाता है कि थोड़ी ही देर बाद ट्रेन की चेन कई बार खींची जाती है और जैसे ही ट्रेन रुकती है 2000 मुसलमानों की भीड़ ट्रेन को घेर लेती है और ट्रेन में बैठे कार सेवकों पे पथराव शुरू कर देता है। पथराव के डर से कार सेवकों ने अंदर से खिड़की दरवाजा दोनों बंद कर लेते हैं। उसके बाद हिंसकों द्वारा ट्रेन के बोगी S6 में आग लगा दिया जाता है। जब तक ट्रेन के पास फायर ब्रिगेड पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और 59 कार सेवकों की मौत हो चुकी होती है। लेकिन 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 मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता। जब 1700 से अधिक उस वक्त उस ट्रेन में कार सेवक मौजूद थे तो मुसलमानों की भीड़ ने सिर्फ S6 को ही क्यों टारगेट किया? अगर मुसलमान को कार सेवकों पे हमला ही करना था तो पूरे ट्रेन पे वे हमला कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ S6 पे ही हमला हुआ था, बाकी बोगी में एक खरोंच तक नहीं आया। क्या ये किसी की साजिश थी? आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर से दंगे पे वापस आते हैं। वैसे तो रूल के हिसाब से जली हुई बॉडी को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती या ज्यादा से ज्यादा उनके परिजनों को सौंप दिया जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। विश्व हिंदू परिषद BHP बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और बॉडी को खुले गाड़ी में रखकर पूरे शहर घुमाया जाता है और साथ ही साथ धार्मिक नारा भी लगाया जाता है। ये पूरे मामले को देश की सभी बड़ी छोटी मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। इसी कारण गुजरात के लोगों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जाता है और उसके अगले दिन 28 फरवरी के सुबह पूरे गुजरात में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होने लगे और पूरे गुजरात में दंगा देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम को मार रहा था और मुस्लिम हिंदू को मार रहा था, जिसमें 790 मुस्लिम बेकसूर मारे गए, 254 हिंदू बेकसूर मारे गए। ये ऑफिशियली डेटा है। अनऑफिशियली डेटा 10,000 से अधिक लोग गुजरात में उस वक्त दंगे के दौरान मारे गए थे, जिसमें 80% से अधिक मुस्लिम थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस पूरे दंगे के दौरान पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही थी। दरअसल दंगा होने से पहले कैबिनेट मीटिंग करी जाती है। इस मीटिंग में सभी बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। IPS अधिकारी संजीव भट्ट उस वक्त के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया गया कि कैबिनेट मीटिंग में सरकार द्वारा आदेश था कि वे शांत रहे। ये एक्शन का रिएक्शन है, 2 से 3 दिन में मामला शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दंगा पूरे गुजरात में फैल जाता है और पुलिस चाह के भी दंगा को रोक नहीं पाती है। क्या ये पुलिस की नाकामी थी या सरकार की चाल? प्लीज कमेंट में बताइए। खैर चलिए फिर से नरेंद्र मोदी पे वापस आते हैं। नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा कि वे जानबूझकर दंगे को काबू नहीं किए ताकि नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली फायदा हो, और ऐसा लोगों का मानना है इस दंगे में नरेंद्र मोदी का भी हाथ था। इसी कारण नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से 16 अगस्त साल 2002 से पहले ही क्लीन चिट मिल जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 16 अगस्त साल 2002 को गुजरात के विधानसभा चुनाव का अनाउंस करती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट विधानसभा चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के विधायक अश्विन मेहता के खिलाफ। नरेंद्र मोदी 14,728 वोटों से जीत जाते हैं। टोटल 182 सीटों में से 127 सीट BJP को मिलती है, कांग्रेस को 51, जनता दल को 2, इंडिपेंडेंट को 2। BJP को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात का दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जय हिंद।